जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। अरे जिंदगी को आसान नहीं बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय नहीं आता मेरे भाई, सही समय कभी नहीं आता है, सही समय बनाना पड़ता है। सही समय क्या होता है दोस्तों? बनाना पड़ता है। तो दो 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 जो मेरे भाई सोचते हैं कि आज पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा, कल समय आएगा तो कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, दोस्तों तो समय कभी नहीं आता है। आप सभी को खुद से समय को दोस्तों बनाना पड़ेगा, और जिंदगी को आसान नहीं खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उसी सपना को साकार करने के लिए दोस्तों हम सभी को अपने 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 आप को दोस्तों मजबूत बनाना पड़ेगा। ना कि जिंदगी को कोसना पड़ेगा कि जिंदगी मैंने को क्या दिया, मेरे को गरीब बना दिया, तो ये बना दे तो वो बना दे, नहीं। तो आज दोस्तों हम सभी पढ़ेंगे दोस्तों मिसिंग टर्म, यानी कि लुप्त पद को पढ़ेंगे, यानी कि जो दोस्तों रीजनिंग का एक पार्ट होता है दोस्तों, ठीक है ना। लुप्त पद के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों। ये क्वेश्चन इसमें के क्वेश्चन दोस्तों है और बहुत सारे एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम लेकर उठा करके देख लीजिए जिसमें रीजनिंग आता है, तो ये भी दोस्तों इसमें के क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को एक से दो मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उसी को दोस्तों पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा ये टॉपिक है दोस्तों, ठीक है ना। तो 10-15 मिनट में दोस्तों ये कंप्लीट कर देंगे हम आप सभी को, और क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे टीचरों से आप पढ़ोगे, लेकिन दोस्तों एक बार मेरे से पढ़ कर देखिए, आपसे का डाउट दोस्तों सब डाउट क्लियर हो जाएगा, एकदम सफाई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों लुप्त पद, मिसिंग टर्म यानी कि लुप्त पद। तो मिसिंग से दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि दोस्तों वो लुप्त होता है, जो नहीं दिखता है उसी को हमको क्या करना है दोस्तों, इसमें फाइंड करना होता है। लुप्त लुप्त हो गया वो दिन, हम लोगों का जो बचपन का दिन है वो लुप्त हो गया, वो कभी दिखेगा? अब हम इतना छोटा होंगे कभी नहीं होंगे। तो उसी लुप्त 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 पद के दोस्तों बारे में बात करेंगे। तो इसमें आता है दोस्तों कि आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें होता है कि जो शब्द होता है अक्षर होता है, अल्फाबेट से भी दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन होता है। मैं आप सभी को बता दूं कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन की बता दूं ना, क्वेश्चन के प्रकार बता दूं, प्रश्न के प्रकार, प्रश्न के प्रकार कि प्रश्न इसमें दोस्तों कैसे आते हैं, किस प्रकार से आप सभी से छोटा छोटा प्रश्न इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। तो इसमें देखिए कैसे आता है, तो इस पर आता है नंबर से भी रिलेटेड होता है, संख्या से, और अल्फाबेट अल्फा अल्फा बेट अल्फाबेट से भी दोस्तों क्वेश्चन आते हैं आप सभी का। और बात करें तो इन दो क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादातर आप सभी को देखा जाता है कि संख्या से आता है, नंबर से आता है, और किस से आता है, वो अल्फाबेट से आता है, इसमें से क्वेश्चन आता है, बनता है आप सभी का, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन की दोस्तों, कि क्वेश्चन से ही हमारा डाउट क्या जो होता है दोस्तों क्लियर हो जाते हैं। और आप सभी को दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे इसको करना चाहिए। देखिए इसमें है ना कि आपको बाहरी ज्ञान होना अति आवश्यक है, आपसे क्या नॉलेज आईक्यू लेवल को दोस्तों चेक करेंगे आप सब, कि आप कितना तक सोच सकते हैं, कितना तक क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन एक लेते हैं दोस्तों हमारे पास, दोस्तों मेरे भाई जो क्वेश्चन दिया गया है मेरे भाई, वो क्या दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन है एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं करें कि ऐसे देखिए मिसिंग वर्ड के दोस्तों क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं आज, तो इसका ऐसे करके 1, 2 एंड 3 नीचे कितना, 3 लाइनिंग है, ये हो इतना हो गया। और इसमें दोस्तों शब्द भी कुछ ये 1, 2, 3 दिया है, फिर 2, 2, फिर यहाँ पर दे दिया 3, यहाँ पर दे दिया 6, यहाँ पर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर आप सभी को बताना है कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जो वहाँ पर दोस्तों नहीं लिखा गया है तो आप सभी को बताना है कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो आप सोचेंगे कि कैसे इसको अरेंज किया जाए, कि यहाँ पर क्या आएगा, कैसे सोचा जाए। तो आप सभी को माइंड पर फ्रेश रखना है, आप सभी को ध्यान देना है कि क्या इस पर लिखा जाए, ताकि हम सभी इस क्वेश्चन को बना पाए। तो सोचिए सोचिए आपकी क्या इसमें दोस्तों मिस हो रहा है, कि इसमें देखिए क्या होना होता है ना कि हम सभी को अब अपना दिमाग लगाना पड़ेगा यार, अगर 2 है 2 है तो ये 2 है कैसे यार, तो 1, 2, 3, 3, 2, 5 हो रहा है तो ऐसे तो नहीं होगा, हाँ 1, 1, 2, 3 हो जा रहा है। लेकिन अगर देखिए जैसे हम सोचते हैं अपने दिमाग से सोच रहे हैं कुछ है, देखिए जब पहले सोचेंगे, अगर मैंने बात किया दोस्तों कि अगर हम एक किए और ये किए तो 3 हो गया, तो 3 यहाँ पर दिया सही, हमारा ये तो रोल काम कर गया, एक तो नहीं। लेकिन यहाँ पर 2 है और ये 3 है तो 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 है, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, रूल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा रूल। अब दूसरा रूल लगाते हैं कि दूसरा रूल क्या हो सकता है, कि 2 और 1 में गुणा किया जाए, 2 और 1 में गुणा किया जाए तो 2 आएगा सही है,
और 2 और 3 में गुणा किया जाए तो 6 है, सही आएगा। 2 के ऊपर दोस्तों हमारा रूल काम कर गया। तो इसमें जब 4 में 3 में करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 12 आ जाएगा। यही दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, 12 हमारा क्या आ जाएगा मेरे भाई आंसर आ जाएगा। तो आप सभी को दोस्तों कॉन्सेप्ट पता चला, कैसे मैंने सॉल्व किया ये पता चला, पता चले चला कि नहीं चला, और समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दो, करो ना। तो ये देखो, छोड़ो सब बातें, बात बात की बात है वो सब, ठीक है ना। ये देखो पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हम सभी को, ठीक है ना। पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे इसको बनाना है कैसे नहीं बनाना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर मैंने ये दोस्तों क्वेश्चन हम सभी ने समझ लिया। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे भाई, मेरे पास ऐसे बनाया, इसको ऐसे ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे और इसको ऐसे कर लिया ऐसे। अब हमारे पास जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो दिया गया है ए, सॉरी ए सी, क्यों नहीं उग रहा है यार, ई एच, आप सभी को शायद दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें हम रेड कलर से लिख दे रहे हैं ए सी ई एच और जे एल ओ क्यू और एक वाट दिया है। तो आप सभी को मैंने अभी बताया कि इस पर 2 प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर ने पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है दोस्तों संख्या से और एक पूछा जाता है दोस्तों अल्फाबेट से। तो संख्या वाला तो दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया कि संख्या वाला ऐसे बनता है, लेकिन अल्फाबेट वाला कैसे बनेगा यार, ये तो अब कैसे बनेगा, आप दिमाग लगाएंगे। आप सभी को क्या करना है दोस्तों, दिमाग लाना है कि कैसे इसको बनाया जाए और कैसे आखिर बनाया जाए, कैसे कैसे इसको फाइंड किया जाए, इसमें दिमाग लगाएंगे यार, सोचेंगे, पहले सोचेंगे, दिमाग को पहले घुमाओ, पूरा घुमाओ, तभी जाकर दिमाग आपका फ्रेश होगा। कैसे, ए बी नहीं है, सी डी ई नहीं है, यार कैसे इसको किया जाए, माने यहाँ पर लिख लेते हैं, ओ सॉरी यार, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी है, सी है, डी है, ई है, ए बी सी डी में आता है कि नहीं आता, ये आता है, मैंने कोई गलती तो नहीं लिख रहा है, ए बी सी डी नहीं लिख रहा। और दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं क्या देखने को हमको मिल रहा है कि ए तो दिया है लेकिन बी नहीं दिया है, सी तो दिया है लेकिन डी नहीं दिया है, ई दिया है। तो देख रहे हैं कि एक वर्ड मिस करके, एक वर्ड छोड़ करके हमें अगला वर्ड को क्या कर दर्शा रहा है, एच आई जे के एल एम ओ। अब देखिए अब इसमें क्या है कि हमारे पास एच तो दिया है लेकिन आई नहीं दिया है, जे तो दिया है लेकिन के नहीं दिया है, और एल दिया है। दोस्तों मैंने थोड़ा इंक भर लूँ अपने आप में, ठीक ना, अपने आप में नहीं मतलब कि ये क्या बोले स्केच में दोस्तों इंक भर लूँ, क्योंकि इंक मेरे पास नहीं है अभी, ठीक है ना, तो इसमें कम है। तो देखिए अब हमने क्या बताया दोस्तों कि हम सभी के पास क्या दिया गया है, तो हम सभी के पास एच तो दिया है लेकिन आई नहीं दिया गया है, जे तो दिया है लेकिन के नहीं दिया है, एल दिया है। तो आप सभी क्या मिला रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कुछ तो सोच रहे होंगे माइंड में कि यार क्या इसमें किया जाए, तो ये बन सकता है, क्या किया जाए बताइए आप ही। तो आप सभी को दोस्तों देखने को मिल रहा है कि ऊपर वाला में भी एक वर्ड छोड़ करके अगला वर्ड लिख रहा है और नीचे वाला में दोस्तों एक वर्ड छोड़ करके अगला वर्ड को लिखा जा रहा है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एक वर्ड छोड़ करके अगला वर्ड को लिखना है। तो पी क्यू ओ और पी क्यू क्या आ जाएगा दोस्तों मेरा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए यहाँ पर क्या आएगा, मैं अभी बता रहा हूँ आप सबको, थोड़ा सा ये कर लूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी है। हाँ तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा ना, तो क्यू एस, अब इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, एस आएगा, तो एस क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, एस ही आप सभी का दोस्तों आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्यू क्यू के बाद क्या आ जाए दोस्तों, ओ के बाद क्यू और उसके बाद एस आएगा, उसके बाद क्या आ जाए दोस्तों एक वर्ड छोड़ करके एस आएगा, क्यू पी एस, ऐसे सब आएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों आप सभी को क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मैं दोस्तों इतना देर से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना, तभी मैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा, ताकि आप सभी को हर एक क्वेश्चन दोस्तों क्लियर होते जाए। दोस्तों मैं इसको मिटाने जा रहा हूं दोस्तों, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ताकि आप अपने वीडियो देखने के बाद अपने कॉपी में नोट कर सकें, लिख सकें,
ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। ठीक है, मैं इसको मिटा करके दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, जो कि दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों मैं क्वेश्चन आपसे को बता रहा हूँ, ये ऐसे ही नहीं बता रहा दोस्तों, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं दोस्तों क्या किया गया दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक मैं और क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें आप सभी का आंसर बताना है, ठीक है ना। तो आप सभी बताने के लिए तैयार हो जाइए, आंसर हाथ उठा ली, कौन बताएगा कौन नहीं बताएगा, हाथ उठा करके तैयार हो मेरे भाई, ठीक है ना। सीट यार मेरा आज क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरा स्केच बार बार गिरे यार। तो आप सभी हाथ उठा लीजिए कि कौन इसका आंसर, ओ सीट यार, कौन इसका आंसर देगा, हाथ उठा लो ऊपर मेरे भाई, कौन इसका आंसर देगा। मैं क्वेश्चन को लिखने वाला हूँ, लिख भी दिया हूँ। तो ये रहा हमारे पास दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल कि इसमें दोस्तों लुप्त वर्ग को क्या क्या दोस्तों ज्ञात करना है। इसमें दिया है 13, इसमें दिया है 20, इसमें दिया है 27, इसमें दिया है क्या 17, इसमें दिया है 33, और इसमें दिया है 9, और इसमें दिया है 10, और इसमें दिया है 11। अब सोचो कि यहाँ पर क्या रहेगा। अब मेरे को भी पता नहीं कि यहाँ पर क्या रहेगा, आप सभी को सोचना है कि यहाँ पर रहेगा था कि रहेगा क्या, क्या रखें मिलाओ, देखते हैं सोचते हैं यार कैसे क्या रहेगा। 17, 13 यहाँ पर है, 13, 20, 27, अगर इसको जोड़ा जाए, अगर इसको जोड़ा जाए तो ये 3 और ये कितने जगह 33 आ जाएगा, लेकिन 27 के इक्वल तो नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, 27 के इक्वल ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या किया जाए, अगर हम करें 27, अगर इसमें करें नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, अगर हम इसको करें क्या किया जाए यार, सोचो यार सोचो क्या किया जाए, दिमाग घुमा दिया है तो यार क्वेश्चन को। अगर मैं करूं 17 3 ये कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, 13 अब 20 33 तो हो जाएगा, तो 33 तो दिया यहाँ पर, 33 तो दिया है, लेकिन 9 11 कहाँ से 11 है, 17 यहाँ पर कुछ रहेगा तो 11 आना चाहिए। तो कैसे इसको बनाया जाए यार, कैसे बनाया जाए, दिमाग दिमाग लगाओ, बहुत भारी दिया है ये, ठीक है ना। तो ये कैसे आएगा, सत्रह अब 20 37 आ जाए ना, लेकिन 17 10 27 आएगा, कैसे चल सकते हैं इसमें, ऐसे चल सकते हैं नहीं, ऐसे तो नहीं सकते। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया दोस्तों आप सभी को समझाने के लिए कि दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन दोस्तों कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता दोस्तों आप सभी समझ पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट दोस्तों जो एग्जाम्पल लेकर आए कि देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सभी, इसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएगा, ये नहीं कि हल्का क्वेश्चन से पूछे जाएगा कि 3-4 है ऐसे, 5 है हटा दिया ऐसे, नहीं ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों घुमा फिरा के देगा। तो हम सभी को कैसा भी क्वेश्चन हो, पहले तो हम सभी को करेंगे दोस्तों स्क्वायरिंग पर भी देखेंगे, गुणा करके भी देखेंगे, और घटा के कर भी देखेंगे, और भागा लगा कर भी देखेंगे कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। हर प्रकार के दोस्तों ट्रिक हम लगा करके अपना चेक कर देंगे, तब जाकर हार मानेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन इस पर बना जाता है, स्क्वायरिंग भी किया जा सकता है, गुणा भी लगाया जा सकते हैं, भागा भी लगाया जा सकता है, और घटाया भी जा सकता है, और जोड़ा भी जा सकता है। तो किसी भी प्रकार से हम सभी को आए तो हम सभी को बना देना है, बस हम सभी को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक तरीका पता होना चाहिए, माइंड फ्रेश होना चाहिए, ठीक। तो इसके बाद करते हैं इसको कैसे बनाया जाए। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे बनाया जाएगा, ये क्या दिया है, ये त्रिशूल बनाया क्या, ये शंकर जी का त्रिशूल बना के दिया हमको मारने के लिए, किसी खोबने के लिए, ये क्या दिया यार, यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 14, यार क्या दिया यार, कैसे बनेगा ये, मेरे से तो नहीं बनेगा यार, किससे बनेगा, 21 दिया, 9 दिया, 15 दिया, 10 दिया, 16, इसको कैसे बनाया यार, कैसे बनाया। तो मैंने समझाया ना कि हार मत मान, इसमें गुणा करके देखो, जोड़ करके देखो, कुछ घटा करके देखो, कुछ भागा करके देखो, कैसे आखिर बन रहा है इसमें देखो ना। अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो ये चचो के 16 हो जाएगा, लेकिन ये किसी के स्क्वायर नहीं आ रहा है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं आ रहा है, मान दिए तितली का 9 आ रहा है, ये स्क्वायर है किसी का, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं आ रहा है, ये चचो का 16 हो जाएगा, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं आ रहा है, ये स्क्वायरिंग तुम्हारा फेल ही होगी।
अब घटाते हैं, अगर 10 में से 6 घटाएंगे यहाँ पर 2 घटाना पड़ेगा, ये भी हमारा फेल हो जाएगा। अगर हम गुणा करके देखते हैं, अपना ट्रिक लगाते हैं, देखिए जैसे कि अगर हम यहाँ पर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 2 × 7 क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, 2 × 7 करेंगे तभी ना जा करके 14 आएगा। ऐसे नहीं ना कि 5 × 2 कर दिए तो हमारा 14 आ जाएगा, नहीं ना, नहीं तो 7 × 2 करेंगे तो हमारा 14 आएगा। यहाँ पर 2 × 8 करेंगे तो 2 × 8 करेंगे तो क्या जाएगा, 16 आएगा। 2 × 8 करेंगे तो 16 आएगा। यहाँ पर 2 × 6 करेंगे तो 12 आएगा। 2 × 6 करेंगे तभी तो 12 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए कि एक सीक्वेंस, एक सीरीज दिख रहा होगा आप सभी को, एक आप सभी को एक सीरीज और सीक्वेंस दिख रहा होगा, क्या सीक्वेंस है और क्या सीरीज है। यहाँ पर 6 से गुणा हो जा रहा है, यहाँ पर 7 से और यहाँ पर 8 से, यहाँ पर 6 से, यहाँ से 7 पर, यहाँ पर 8 पर, तो एक सीक्वेंस तरह की दिख रहा है, एक लाइन, एक सिस्टम तरीके से दिख रहा है। तो वही दोस्तों हमारा मेथड हो जाता है जो सीक्वेंस और सिस्टम तरीके से आता है, उसी को दोस्तों फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 8 था, तो एक सीक्वेंस तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, हुआ। अब देखिए वो भी सीक्वेंस यहाँ पर लगाएंगे कि यहाँ पर है दोस्तों क्या है, तितली के 9 हो रहा है, 5 × 3 = 15 हो रहा है, और यहाँ पर दोस्तों 3 × 7 हो रहा है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 5 हो गया, और यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर 7 हो गया। तो ये तो सीक्वेंस लग ही नहीं रहा है, कैसे लगाएंगे इसको। तो ये लगा रहा है दोस्तों कि ये 2 पर लगा रहा है, ये 1 पर लगा रहा था, 6 से 7 हो रहा था, ये दोस्तों 3 से 5 हो रहा है, यानी कि ये 2 का डिफरेंस दे रहा है, 2 का डिफरेंस दे रहा है। बहुत यार प्यार से मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, बार बार समझा रहा हूँ ताकि आप सभी को समझ में आ जाए कि कोई भी क्वेश्चन आप लगा पाए, आप समझ पाए कि कैसे मिसिंग टर्म का क्वेश्चन बनाया जाता है। किसी भी एग्जाम में बैठो तो आप सभी को समझ में आ जाए, बस माइंड क्लिक करे कैसे बनाना। तो ये देखिए यहाँ पर 2 का गैप था, यहाँ पर भी दोस्तों 2 का गैप होगा, तो ये भी सीक्वेंस हमारा काम करेगा, ये भी रूल काम करेगा। अब देखिए नेक्स्ट पर बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों 2 × 8 करते हैं और यहाँ पर दोस्तों 2 × 5 करते हैं, तो कितना का डिफरेंस दिख रहा है मेरे भाई, कितना का डिफरेंस दिख रहा है, 3 का डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 3 का डिफरेंस दिख रहा होगा आप सभी को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस दिख रहा है, तो यहाँ पर भी तो 3 का डिफरेंस होना चाहिए ना, समझ में आया कि नहीं, आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर करो मेरे को। तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी क्या आना चाहिए, 11 × 2 होना चाहिए, यानी कि तबे तो जाकर के यहाँ पर होगा 8 × 3 = 11 होगा कि नहीं होगा, मैंने कुछ गलती तो नहीं लिख दी है, नहीं ना, नहीं। तो 11 × 2 दोस्तों 22, और 22 ही दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, 22 ही क्या जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 हमारा, एकदम सिंपली तरीके से दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आप सभी दोस्तों जरूर बताएं हमसे, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत किया जा रहा है दोस्तों आप सभी को, बस समझाने के लिए दोस्तों मैंने बहुत मेहनत किया आप सभी को, बस समझाने के लिए दोस्तों, ठीक है ना। तो आप सभी को समझाने के दोस्तों जब इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप सभी का भी दोस्तों फर्ज बनता है कि आप सभी अच्छे तरीके से समझिए, अपने कॉपी में क्वेश्चन को नोट कीजिए और बार बार उसको लगाइए, ठीक है ना। हाँ अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल की, नेक्स्ट एग्जांपल और क्या लेकर के आप सभी को समझाया जा सकता है। तो उससे पहले आप सभी को दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना है या वीडियो को रो करके उतार लो अपने कॉपी में, ऐसे नहीं कि पढ़े पे छोड़ दिया। बहुत सारा आपके मोबाइल में पीडीएफ पड़ा होगा, बहुत सारा वीडियो पड़ा होगा, लेकिन अभी आज तक आप किसी पीडीएफ और किसी वीडियो पर नजर नहीं गाड़े होंगे, तो हमको वो काम ही नहीं करना है, क्योंकि बाद वाला काम यार पागल व्यक्ति का होता है, हम बाद में काम ही नहीं करेंगे, जो काम करेंगे अभी करेंगे, नहीं तो कभी नहीं करेंगे और करते भी नहीं है, ठीक है। तो अभी इसको नोट करो, बाद के लिए मत छोड़ो, अभी इसको नोट करो, नोट करो इसको, मैं हट जा रहा हूं बगल, इसको नोट कर लो, ओके। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों मैंने लिया दोस्तों, बहुत डिफिकल्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक मोटिवेशन हो जाए दोस्तों, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, मत पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, ना हारूंगा उम्र भर हौसला, ना हारूंगा उम्र भर हौसला, मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया। तो दोस्तों उम्र भर हौसला नहीं हारना यार, एक बार पेपर नहीं निकला तो क्या हुआ यार, मैं दोबारा उसको प्रयास करूंगा, दोबारा मेहनत करूंगा, दोबारा कड़ी मेहनत करूंगा ताकि दोबारा निकल जाए, क्रेक हो जाए। और दोस्तों जो अपने आप से, जो अपने माता पिताओं से दोस्तों हमने जो वादा किया दोस्तों उसको तो निभाना ही है ना, कैसे भी करके निभाया, निभाना तो पड़ेगा ही हम सभी को।
तो दूसरा जो दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों आप सभी के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दोस्तों ये एग्जाम में दोस्तों बहुत बार पूछा भी गया है। और ये मेथड समझो ना यार, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, हम सभी को मेथड याद होना चाहिए कैसे इसको सॉल्व करना है कैसे नहीं करना। तो दूसरा क्वेश्चन कितना हो भी बड़ा दे दे, कितना हो भी क्वेश्चन दे दे, हम तो बना ही सकते हैं, बना सकते नहीं, क्योंकि हम स्पीड एजुकेशन गुरु के चला स्पीड से चलते हैं, स्पीड से। ओके, तो यहां पर देखिए कैसे इसको किया जाए। तो आप सभी को दिमाग लगाना है कि इसमें क्या किया जाए कि सॉल्व हो जाए, क्या नहीं किया जाए कि सॉल्व मत हो के यार, कौन बनाएगा ऐसा क्वेश्चन है, कैसे ये बनेगा, कैसे बनेगा, अपने कॉपी में नोट करो, तुम ही बताओ, तुम ही बनाओ, तुम बनाओ, तुम्हें बनाना है, इसको बनाओ, कॉपी में नोट करो, बनाओ। आप सभी क्या करिए दोस्तों, इसको कॉपी में नोट कीजिए क्वेश्चन को और बनाइए, अपने आप से बनाइए कि कैसे इसको क्वेश्चन को बनाया जाएगा, ठीक है। पहले आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा कि इसको क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, कैसे नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो कॉपी में दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कीजिए आप, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों इसको क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, दिमाग लगाते हैं थोड़ा, माइंड को इसमें इसको घोर करके इसको पियाएंगे पहले रस शरबत, ठंडा का गर्मी का मौसम चल रहा है ना, तो इसको शरबत पिलाएंगे तब जाकर बनेगा। हम देख रहे हैं दोस्तों तितली के नौ बहुत सारे, लेकिन इसका तो कोई स्क्वायरिंग ही नहीं है, यहाँ पर 12 2 24 ये कैसे बनेगा यार, कैसे बनेगा, यहाँ पर तो इसमें भी कुछ नहीं लग रहा है, किसमें भी कुछ नहीं लग रहा है। हम स्क्वायरिंग वाला तो देख लिए, अब देखते हैं गुणा करके कि गुणा करके भी कुछ किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो कोई नहीं दिख रहा है दोस्तों, हम अगर 2 से करते 18 हो जाएगा, 2 से करते 40 हो जाएगा, तो क्या फायदा मिलेगा हमको, कुछ नहीं फायदा मिलेगा। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर 121 दिया है यार, और 121 कहाँ से आ सकता है, 11 का स्क्वायरिंग करेंगे तभी तो हमारे पास 121 आता ना, कैसे थोड़ा ऊपर से उड़ करके आ जाएगा हमारे पॉकेट में, पॉकेट में ऐसे तो नहीं आएगा, नहीं है। तो इसको दोस्तों जब हम अगर 11 हमको चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर 13 चाहिए, चाहिए ना मेरे भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए आप सभी को, पूरी लगन वाला पूरी तो नहीं नहीं चाहिए आप सभी को, लगन वाला पूरी तो नहीं नहीं चाहिए, नहीं हम सभी को 11 चाहिए और 13 चाहिए, ठीक है, लगन वाला पूरी तो बाद में है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम सभी को जब इतना चाहिए तो हम देख सकते हैं कि जो 20 में से अगर हम 9 को घटाएं तो कितना आएगा हमारे पास, अगर 20 में 9 घटाएं तो कितना आएगा हमारे पास, 11 आएगा, और 24 में 11 को घटाया जाए दोस्तों तो 13 आएगा, और 17 में 32 को घटाया जाए तो कितना आएगा, तो ये आ जाए 12 7 5 12 और एक 15 आएगा शायद, कितना आएगा दोस्तों 15 शायद आएगा, क्योंकि 7 5 12 के हो गया 2 और ये 2 1 3 हाँ 32, यानी कि 15 आएगा इसमें, अगर इसको इसमें घटाया जाए तो 11 का स्क्वायर 121 आ गया, 11 का स्क्वायर दोस्तों 121 आ गया, 13 का स्क्वायर 169 आ गया, और 15 का स्क्वायर दोस्तों क्या आएगा, आप सभी को बताने कि 15 का स्क्वायर होता है क्या दोस्तों, क्या होता है, क्या होता है बताओ, 15 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, मैं कुछ गलती तो नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ गलती तो नहीं बता रहा हूँ, ताकि 11 का स्क्वायर 121 तो होता है कि नहीं होता है, क्लियर करो, 13 का स्क्वायर इतना होता है कि नहीं होता है, क्लियर करो, 15 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 225, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा रे मेरे भाई, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को जो भी वीडियो को देख रहे हैं समझ में पूरा आया होगा, क्योंकि मैं इतना बेसिक तरीके से समझाया तो आप सभी को समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, आई होप अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे दोस्तों, और इतना वीडियो को शेयर कीजिए कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट और इतना इजीली तरीके से समझने का दोस्तों जो तरीका है वो आप सभी के भाई, आप सभी के रिलेटेड और आप सभी के दोस्त भी दोस्तों इस इन कॉन्सेप्ट को जान पाए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों, ठीक है, अलविदा, बाय, मिलते हैं कल दोस्तों।